राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक में धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज होने पर सियासत गर्मा गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए राजस्थान बीजेपी के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने आप को महात्मा गांधी को मानने वाला और उनके जैसे जिंदगी जीने वाले बताते हैं। राजस्थान के गांधी बच्चे वैभव गहलोत के खिलाफ धारा 156(3) में कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के लिए नासिक के गंगापुर थाने के लिए आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि वैभव ने एक ठेका दिलाने में 6 करोड़ से ज्यादा रुपए की लोगों से ठगी की है। कटारिया ने कहा, आज कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है राजनीति में, उससे सबसे बड़ा कारण मुझे ये समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी, इसके नेता और उनके परिवार वाले इस देश को लूटने में जिस तरह से जुटे रहे हैं, उसके कारण एक के बाद एक मामले उजागर होते गए। अच्छी भली पार्टी की आज दुर्गति हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के केवल 2 नमूने रह गए हैं। राजस्थान के गांधी को मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। घर में ही उनका बेटा इस तरह के कर्मों में लगा हुआ है तो वे गांधी जी के नाम को सम्मान दे रहे हैं या अपमानित कर रहे हैं। कटारिया ने कहा, मेरी इतनी प्रार्थना है कि कम से कम मुंह खोलकर एक शब्द इस पर जरूर कहें कि वैभव गहलोत के खिलाफ कोर्ट से इस्तगासा एफआईआर दर्ज करने का आया है। उसके बारे में राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता को वे बताए कि वास्तव में गांधी परिवार में ये क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी वैभव गहलोत का नाम ई टॉयलेट टेंडर घोटाले में शामिल होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। गजेंद्र सिंह ने तंज कसा कि पुत्र मौत धतराष्ट्र बना देता है। ट्वीट कर शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत पर राजस्थान में ई टॉयलेट टेंडर घोटाले में शामिल होने का आरोप गंभीर है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।